तो गुड मॉर्निंग, हेलो, सलाम, नमस्ते, कैम छो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ नाड़ा बेट में। नाड़ा बेट जो है वो बनासकांठा जिले में आता है और यहाँ पर आगे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, जीरो लाइन बॉर्डर जिसे बोलते हैं वो है यहाँ पर। और पीछे नडेश्वरी माता का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और बताते हैं कि ये मंदिर सतयुग के समय से है, तो काफ़ी पुराना मंदिर है। उस गेट से हम आए अंदर और यहाँ पर कुछ दुकान वगैरह है और ये सारी पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ी रखी है मैंने। और यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है, बस पार्किंग, कार पार्किंग दोनों साइड है, इस साइड भी है और इस साइड पे। यहाँ पर BSF का ऑफिस है आगे और ये मंदिर है नडेश्वरी माता का। तो चलते हैं अंदर। ये माता का मंदिर है। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, लेकिन इस मंदिर की जो कहानी है जो इससे जुड़ी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी ऐसी है कि जूनागढ़ के जो राजा थे रा नवगण, उनकी एक धर्म की बहन थी, तो उनका अपहरण अभी जो पाकिस्तान का सिंध है वहाँ पर किसी मुस्लिमों ने कर लिया था, उनसे शादी करना चाहते थे। तो फिर राजा को ये बात पता चली तो उनकी बहन को बचाने के लिए वो यहाँ पर आए। और पहले यहाँ पर पूरा समुद्र था तो उनको समझ नहीं आ रहा था और पूरी सेना थक गई थी। तो उसके बाद में माताजी ने एक बच्ची के रूप में इधर उनको दर्शन दिए थे और पूरी सेना को एक छोटे से कुल्हड़ में, जो छोटी सी मटकी आती है ना, उस मटकी से पूरी सेना को खाना खिला दिया। तो राजा को पता चल गया कि ये चमत्कार और ये माताजी है। फिर उन्होंने माताजी से प्रार्थना की कि मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे आगे का रास्ता बताइए। तो माताजी ने बोला कि मैं एक चिड़िया, चकली बोलते हैं गुजराती में, चिड़िया रूप में आपके भाले के ऊपर बैठूंगी और आपको रास्ता बताऊंगी, तो आप उस दिशा में चलिए। तो ऐसे करके माताजी ने उनकी सहायता की और फिर वो पाकिस्तान गए और वहाँ से अपनी बहन को छुड़ा के लेके गए। तो ये यहाँ की कहानी थी इस मंदिर की। और 71 का जो युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद से यहाँ पर BSF के जो एक जवान हैं आप देखेंगे वो यहाँ पर पुजारी के रूप में इधर पूजा करते हैं माता जी की। और इस मंदिर का जो काम काज है, जो भी इसका संचालन है, वो यहाँ का ट्रस्ट करता है। तो ये मंदिर था, मंदिर से बाहर आ गए हम दर्शन करके और यहाँ पर मंदिर का ऑफिस बना हुआ है ट्रस्ट का, तो इसमें चलते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में। जय माता जी। हाँ, जय माता। तो ये बुक मिलती है यहाँ पर, इसमें पूरी जानकारी डिटेल लिखी हुई है, इसमें सारी कहानी बताई हुई है इस मंदिर की, जो भी पुरानी ऐतिहासिक है वो। गौशाला है, अखंड जो जल है, बराबर जमवानु फेमस है। अच्छा, माता जी। अच्छा, तो ये मंदिर था माता जी का, नडेश्वरी माता का। और पीछे वहाँ पर आपको एक वाइट बिल्डिंग दिख रही होगी, वो भोजनशाला है, वहाँ पर खाना होता है, प्रसाद मिलता है, 2 टाइम फ्री प्रसाद मिलता है, इन्होंने ऐसा बताया था अभी ट्रस्टी जो ऑफिस में थे वो। और काफ़ी बड़ा पैसेज है इसका, आप देखो यहाँ पर पीछे भी मंदिर है कुछ और ये पीछे भोजनशाला है, उसके अलावा और भी गौशाला वगैरह सब बनी हुई है पीछे की तरफ। तो अच्छी जगह है और शांत जगह है, सैटरडे संडे भीड़ होती है यहाँ पर, पब्लिक आती है अच्छी खासी, आज सोमवार है तो पब्लिक नहीं है। तो यहाँ से पहले जाएंगे टी पॉइंट, जो बॉर्डर से पहले एक छोटा सा पॉइंट बनाया है अट्रैक्शन के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ से फिर हम जाएंगे जीरो लाइन बॉर्डर नाड़ा बेट पर। तो चलते हैं आगे। तो आ गया हूँ मैं टी पॉइंट पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नाड़ा बेट सीमा दर्शन में आपनों हार्दिक स्वागत है। ये जगह को काफ़ी अच्छा डेवलप किया है, पहले सबसे पहले लोग यहाँ आते हैं और इसके बाद यहाँ से आगे जो हमने मंदिर देखा था नडेश्वरी माता का, वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से फिर रिटर्न आना पड़ता है और यहाँ से फिर वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जाना पड़ता है जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। ये देखो यहाँ पर ये सारा एडवेंचर होता है, टायर्स वगैरह लगे हुए हैं ATV वगैरह के लिए, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है ATV राइड, रण सफारी का भी है इधर लिखा हुआ है, देखो रण सफारी, ये पैरा मोटर जॉय राइड भी होती है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी एक्टिविटी होती है यहाँ पर। तो ये वो बस है
जो आपको इंटरनेशनल बॉर्डर पर लेके जाएगी। अभी फिलहाल इसकी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन थोड़े समय में होने वाली है। अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपना पर्सनल व्हीकल लेके जा सकते हैं, लेकिन जब ये बस की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप कोई अपना पर्सनल व्हीकल लेके नहीं जा सकते, आपको यहाँ से बस में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको टी पॉइंट बनाया गया है। जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर जाना चाहता है पहले वो यहाँ आएगा, यहाँ पर सारी एक्टिविटी करेगा, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद में इंटरनेशनल बॉर्डर आपको यहाँ से ले जाया जाएगा इन बस के द्वारा। और अंदर की तरफ चलते हैं, मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ टी पॉइंट कैसा बनाया है। तो ये सारा फूड कोर्ट है, देखो हम अंदर की तरफ में आए हैं, ये फूड कोर्ट है और इस तरफ पूरा गार्डन है बीच में ये। तो मैं आज मंडे को आया हूँ और ये जगह टी पॉइंट मंडे को क्लोज रहती है, इसलिए आपको कोई लोग नहीं दिखेंगे। तो मंडे छोड़ के आप आना, बाकी के 6 दिन चालू रहता है। तो ये देखो ये एयरक्राफ्ट है यहाँ पर MiG-27। वो मेन गेट है, इस तरफ में पार्किंग है वहाँ पर, और ये सारी छोटे छोटे आपको दिखेंगे स्टॉल है, खाने पीने के, शॉपिंग वगैरह है। और वहाँ पर वो जो आपको भवन दिख रहा है वो ऑडिटोरियम है, और ये सारी पूरी वॉल बनी हुई है और इसके अंदर में एडवेंचर की एक्टिविटी होती है। यहाँ पर भी नाड़ाबेट द्वार लिखा हुआ है। तो ये अंदर का नज़ारा है, देखो आप, आपको अंदर का नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिखेगा। सब कुछ टैंक वगैरह सब इस तरह से प्रदर्शनी बनाई हुई है इन्होंने, भारत के वीर लिखा है, वो बंकर बनाया हुआ है, किस तरह से फौजी लोगों का बंकर होता है वो सारा बताया हुआ है। वो एडवेंचर जोन है, वहाँ पे लिखा हुआ है नाड़ाबेट। तो पूरा जो बॉर्डर का फील होता है उसका टच देने की कोशिश की है यहाँ पर। ये एक्टिविटी जोन है, देखो आप, पूरा स्टेडियम टाइप में बना हुआ है ये देखो। वो गेट है, वहाँ से अंदर आए हैं, इधर स्टेडियम था मैंने आपको बताया, और ये पूरा पैसेज है यहाँ पर, देखो ज्वाइन द फोर्स और इस तरह के सब बनाए हुए हैं। और यहाँ पर ये आर्ट गैलरी अंदर, उसके बाद में फिर स्टेडियम है जो मैंने अंदर से दिखाया था। इस तरफ ये सरहद गाथा करके एक जगह है, ये एक म्यूजियम है, इसके अंदर में आपको सारी BSF की चीज़ें देखने को मिलती है और आपको डॉक्यूमेंट्री बताते हैं ये लोग। तो ये पूरा टी जोन मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया, और अभी यहाँ से हम जाएंगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर, नाड़ाबेट इंटरनेशनल बॉर्डर, और उसके लिए हमें परमिट बनवाना पड़ेगा BSF ऑफिस से, जो कि यहाँ पर पीछे की तरफ है। तो बाहर चलते हैं, वहाँ से परमिट बनवाते हैं और फिर चलते हैं आगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर। तो परमिट बनवा लिया है मैंने, वहाँ का शूट नहीं कर सकता था तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं। परमिट के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, ओरिजिनल कॉपी की। तो जितने भी मेंबर आप यहाँ पर आते हो तो हो सके उतना सबका आधार कार्ड लेके आना, नहीं तो ये लोग एंट्री नहीं देंगे। सुबह लगभग 7 बजे एंट्री स्टार्ट करते हैं ये लोग अंदर बॉर्डर के लिए, और 4 बजे तक एंट्री देते हैं, उसके बाद एंट्री नहीं देते। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, तो यहाँ के BSF के जो कमांडर है जगदीश सर, उन्होंने मुझे अलाउ किया है अंदर कैमरा ले जाने का, तो थैंक यू सर। और अभी यहाँ से चलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर। तो बॉर्डर का जो रास्ता है ये 25 किलोमीटर का है, चेक पॉइंट से जहाँ से हमने शुरुआत की है। तो लगभग 3-4 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं, और यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, ये देखो आप, यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, ये देखो, सरफेस टू सरफेस मिसाइल P-20 एंटीशिप मिसाइल। तो ये यहाँ पर बोर्ड है और ये यहाँ पर मिसाइल लगाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रियल मिसाइल है, तो इतनी बड़ी होती है ये मिसाइल। मिसाइल मैंने पहली बार देखी है, लड़ाकू विमान और वो सब तो देखा है, लेकिन मिसाइल नहीं देखा था। तो इतना बड़ा मिसाइल होता है, देखो आप कितना बड़ा है ये, मैं पास में जाके बताता हूँ। देखो आप, इतनी बड़ी मिसाइल है ये पूरी।
तो लगभग पहुंच ही गए, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन रास्ते में एक जगह दिखी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो व्यूइंग डेक लिखा हुआ है और सामने रखा है एक बड़ा सा टैंक और पीछे ये पॉइंट बनाया हुआ है देखने के लिए। आप देखो टावर बना हुआ है, T-55 टैंक है ये वाला टैंक है, देखो आप काफ़ी बड़ा टैंक है। तो ये टैंक रखा हुआ है यहाँ पर बीच में और यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है एंड पॉइंट। तो टैंक के ऊपर चढ़ गया हूँ मैं, देखो आप। और ये टैंक के ऊपर से कैसा दिखता है, मैं पहली बार चढ़ा हूँ टैंक पे, तो आप देखो कैसा दिखता है। ये टैंक के अंदर का है, ऊपर जाके नज़ारा देखते हैं कैसा दिखता है आसपास का, इसीलिए टावर बनाया वॉच करने के लिए। तो ऊपर आ गया हूँ मैं, 4 माले जितना ऊंचा है ये, 4 या 5 माले जितना, और यहाँ से नज़ारा देखो आप। तो वहाँ से उस रोड से हम आए आगे से, लगभग 20-22 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैं। यहाँ नीचे गाड़ी रखी है, पार्किंग है यहाँ पर, और ये टैंक रखा हुआ है नीचे। ये पूरा ऊपर से नज़ारा है इस टावर के ऊपर से, वहाँ पर एंड पॉइंट है, वहाँ पर जाना है अभी हमें। और ये पूरा रण है देखो आप, पूरा वाइट रण दिखेगा आपको नमक वाला। तो इस वॉच टावर से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है, तो अगर आप 0 बॉर्डर लाइन जा रहे हो तो ये वॉच टावर दिखे तो इस पे आके जाना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, सब कुछ अच्छे से दिखेगा आपको ऊपर आके। तो ये यहाँ से नज़ारा था और अभी चलते हैं नीचे की तरफ। इंटरनेशनल बॉर्डर का जो पॉइंट होता है एंड पॉइंट, वहाँ पर यहाँ पर पीछे एक वॉच टावर बना हुआ है, उसके ऊपर चल के देखते हैं वहाँ से नज़ारा क्या दिखता है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर आ गया हूँ मैं, ये ऊपर का नज़ारा है, ये देखो यहाँ ऊपर का टावर है, इसके ऊपर से नज़ारा दिख रहा है। ये नीचे गाड़ी खड़ी की है, पार्किंग है वहाँ पर, ये पानी वगैरह पीने के लिए प्याऊ वगैरह है, और वो रेस्ट रूम है। और ये बॉर्डर यहाँ से एंट्री होती है आप देखो, और इस तरफ आगे जाना पड़ता है, वो नड़ाबेट लिखा हुआ है वहाँ पर। इस तरफ पूरा रण है देखो आप, खुला मैदान है। तो 0 लाइन बॉर्डर पर आने के बाद एक अलग ही रोमांच लगता है, क्योंकि सिर्फ एक फेंसिंग बीच में है, उधर पाकिस्तान इधर इंडिया, बीच में कोई गैप नहीं। तो थोड़ा आगे चलते हैं। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। तो ये गेट है, यहाँ से अंदर जाना है, तो अंदर चलते हैं। तो इस गेट से अंदर आए हैं हम, और ये यहाँ का देखो अंदर का एरिया है पूरा, और इस तरफ आगे चलते हैं। तो इसे कहते हैं 0 लाइन बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है ये नड़ाबेट, जो कि गुजरात के बनासकांठा में है। और ये लगभग 2016 में बना था, इसका उद्घाटन हुआ था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा राष्ट्र ध्वज बड़े शान से लहरा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया पाकिस्तान, और बीच में लिखा हुआ है 0 लाइन। तो ये है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, 0 लाइन बॉर्डर। इस फेंसिंग के इस तरफ है पाकिस्तान पूरा, और फेंसिंग के इस तरफ ये है हमारा प्यारा भारत। उस तरफ वहाँ पर एक पिलर है जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है, इस तरफ इंडिया लिखा होता है पिलर के, इस तरफ पाकिस्तान लिखा होता है। तो वो यहाँ से पिलर दिख रहा है हमें, उस तरफ में है वो। और ये सामने जो झाड़ियाँ दिख रही है वो सब पाकिस्तान के गांव है। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, देखो लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रतिबंधित विस्तार। तो दोनों साइड बोर्ड है, एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और एक बोर्ड वहाँ पर आगे लगा हुआ है। तो इसके बीच का ये जो एरिया है यहाँ पर आप घूम सकते हो, यहाँ से आप इस बॉर्डर को देख सकते हो। और एकदम रोमांच कितना बढ़िया, आप देखो ये वायर है, इस वायर के इस तरफ पाकिस्तान है, ये फेंसिंग के इस तरफ सामने जो झाड़ी दिख रही है, और ये हमारा प्यारा भारत है। एक अलग ही रोमांच लगता है जब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर आते हैं। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है देखो आप, इसमें सारी डिटेल दी हुई है, गोल्डन चैप्टर ऑफ BSF ऑन गुजरात बॉर्डर। तो BSF के बारे में जानकारी दी हुई है यहाँ पर। ये इधर मैप बताया हुआ है, 1971 वॉर इन कच्छ सेक्टर, तो उसका मैप बताया हुआ है किस तरह क्या था। यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान 150 मीटर बॉर्डर पिलर 960 मेन। ये एक पिलर बनाया हुआ है देखो आप,
इस तरह से इंडिया और पीछे लिखा होता है पाकिस्तान। ये खाली डेमो है, रियल पिलर वहाँ पर है वो दिख रहा है हमें, देखो वहाँ पर लगा हुआ है फेंसिंग के उस तरफ। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जगह है उधर लगा हुआ है सेंटर में, और ये वही इंडिया पाकिस्तान जीरो लाइन टावर बना हुआ है एक, और इधर लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इससे आगे जाना अलाउ नहीं है। तो ये सड़क सिर्फ बीएसएफ वालों के लिए है, बीएसएफ वाले आगे जाते हैं यहाँ पर, आगे उनकी लास्ट चौकी है वहाँ पर। ये बैठने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पर देखो आप, और यहाँ से इस तरफ पूरा खुला मैदान है, रण है देखो आप दूर तक, और ये वो पूरा पॉइंट है जो मैंने आपको अभी दिखाया। काफ़ी बढ़िया बनाया है इस पॉइंट को, और सैटरडे संडे यहाँ पर मेला लगता है, इतनी भीड़ होती है मुझे बताया यहाँ पर। बीएसएफ वालों से मैंने बात की थी, हालांकि वो लोग कैमरे पर नहीं आएंगे, उन्होंने मना किया है, वो लोग नहीं आ सकते ऑफिशियली, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है, मेले जैसा होता है। आज मंडे इसलिए कम लोग हैं। ये है सेल्फी जॉन, @NanaBet इंडो पाक बॉर्डर, तो यहाँ पर आप सेल्फी लीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए, अच्छे खासे लाइक आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार, जय हिंद।